नया साल दस्तक देने को है। नए साल की शुरुआत ही से शहर में कैरी बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में म्यूनसिपल कमिश्नर गणेश देशमुख ने मीडिया को दिए गए अपने बयान में इस बात का खुलासा किया है कि नए साल 2018 की शुरुआत पर पॉलीथीन कैरी बैग पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। यकुम जनवरी से इस फैसले पर सख्ती के साथ अमलावरी शुरू की जाएगी। इब्तिदा में 50 माइक्रोन से कम साइज़ वाली कैरी बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाएगी और अगले 3 माह के बाद अप्रैल से तमाम तरह के कैरी बैग पर रोक लगा दी जाएगी। तफ्तीश में ये बात भी सामने आई है कि कैरी बैग के माइक्रोन से न सिर्फ शहर में कचरे के अंबार जमा हो रहे हैं बल्कि इसकी वजह से बड़ी बड़ी बीमारियां फैल रही है। इसके अलावा कचरे में फेंकी जाने वाली कैरी बैग गाय बैल और दीगर जानवरों की गिज़ा का हिस्सा बन रही है और इसकी वजह से इनकी मौत हो रही है। कैरी बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का यह फैसला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जनरल बॉडी इजलास में बाज़ाब्ता करारदाद की मंजूरी के ज़रिए नाफिज किया जा रहा है। इस फैसले की अमलावरी पर होने वाली कार्रवाई से बचने के लिए दुकानदारों से एहतियाती इकदाम उठाने और कैरी बैग के इस्तेमाल से बचने की अपील की गई है। अगर कोई दुकानदार, गाड़े वाला या ग्राहक इसे इस्तेमाल करता हुआ पाया जाए तो इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इस तरह का इंतबाह दिया गया है। फैसले की मौसर अमलावरी के लिए अलग अलग स्क्वाड तश्कील दिए गए हैं। प्लास्टिकपासून होणारे दुष्परिणाम, त्यांचा जनावरांच्या आरोग्यावरचा परिणाम, पर्यावरणाला असलेले घातक स्वरूप आणि गावात सगळीकडे कचराच कचरा, अशा प्रकारचं वर्णन आपल्याला प्लास्टिकच्या वापराचं करता येईल। हा वापर आपल्या शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढलेला आहे। आपल्याच नव्हे तर संपूर्ण राज्यात आणि देशातसुद्धा प्लास्टिकने एक मोठं थैमान घातलेलं आहे। आजचा जो विद्यमान शासन निर्णय आहे, या शासन निर्णयानुसार 50 mm किंवा त्यापेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्या वापरण्यावर पूर्णपणे बंदी आहे। तरीसुद्धा दैनंदिन वापरामध्ये अशा प्रकारच्या पिशव्या वापरल्या जातात। त्याचबरोबर आपली जी यंत्रणा आहे, ही यंत्रणा पिशवीचा गेज मोजणार की कार्यवाही करणार, अशा प्रकारचा सुद्धा एक प्रश्न बरेच वेळा निर्माण होतो। यावर उपाय म्हणून आमच्या जनरल बॉडीने एक सर्वसाधारण सभेमध्ये ठराव पारित केलेला आहे आणि आमच्या ठरावाप्रमाणे या शहरामध्ये गेज काहीही असो, प्लॅस्टिकचे पिशवे वापरायचीच नाही आणि संपूर्ण नांदेड शहर प्लॅस्टिक मुक्त करायचं, असा निर्णय आमच्या सर्वसाधारण सभेने घेतलेला आहे। यासाठी आम्ही या प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीचे 2 टप्पे पाडलेले आहेत। 1 जानेवारी 2018 पासून शहरामध्ये 50 mm किंवा त्यापेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यावर 100% बंदी असेल। या आम्ही विविध स्क्वाडद्वारे, विविध व्यापारी आस्थापना, विविध शॉप्स आणि रस्त्यावरील किंवा दुकानातील विक्रेते यांच्या ठिकाणी जाऊन प्रत्यक्ष स्थळ भेटीअंती अशा पिशव्या आढळल्या तर त्या जप्त केल्या जातील, कारण हा कायदा ऑलरेडी आपल्या राज्यामध्ये लागू आहे। यानंतर 50 mm पेक्षा जास्त जाडीच्या पिशव्या यासाठी आम्ही 1-3 महिन्याची मुदत साधारणपणे सर्व शहरवासियांना, व्यापाऱ्यांना देत आहोत। या पिशव्या जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च अशा 3 महिन्याचा कालावधी संपल्यानंतर 1 एप्रिल 2018 पासून संपूर्ण नांदेड शहरामध्ये कुठल्याच जाडीची प्लॅस्टिकची पिशवी वापरू नये, अशा प्रकारचं आवाहन मी सर्वसाधारण सभेच्या ठरावाला अनुसरून आपल्या या जाहिरातद्वारे किंवा आपल्या या याच्याद्वारे चॅनलद्वारे करत आहे आणि मला खात्री आहे की नागरिकसुद्धा प्लॅस्टिकचा पिशव्यांचा वापर टाळतील आणि आपलंच शहर सुस्थितीत ठेवण्यासाठी मदत करतील।